हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं विकास और आज हम एक सॉन्ग सीखेंगे जिसका नाम है दिल रोई जाए। अरिजीत सिंह ने सॉन्ग को गाया है और दे दे प्यार दे मूवी का सॉन्ग है ये, तो कल ही रिलीज हुआ है। तो इसी सॉन्ग को आज हम गिटार पर प्ले करना सीखेंगे। तो लेसन शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके कॉर्ड्स सीख लेते हैं, कौन सी कॉर्ड्स इसमें यूज़ हुई है। तो जो कॉर्ड्स इसमें यूज़ हुई है उसको प्ले करने के लिए आपको पहले किपू यूज़ करना पड़ेगा। किपू यूज़ करेंगे हम फर्स्ट फ्रेट पे। फर्स्ट फ्रेट पे किपू यूज़ करने के बाद जो कॉर्ड्स हैं इसकी, पांच कॉर्ड्स हैं इसमें। फर्स्ट ए माइनर, नेक्स्ट सी मेजर, जी मेजर, एफ मेजर, चाहे तो बाद में लगा सकते हैं आप, ठीक है, और डी माइनर। ये सिर्फ एक जगह यूज होगी, बाकी सारी मेन कॉर्ड्स हैं ए माइनर, सी मेजर, एफ मेजर और जी मेजर, ठीक है, ये चारों यूज होगी बार बार, ठीक है। तो ये कॉर्ड्स हो गई, सभी के डायग्राम्स मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं आती हो तो। तो स्ट्रमिंग जो प्ले हुई है इसमें वो समझ लेते हैं हम एक बार। वो कुछ फिंगर प्लकिंग ऐसी प्ले हुई है, तो इसको प्ले करने के लिए क्या करना होगा वो समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो हम यूज क्या क्या लेंगे वो देख लेते हैं। जो हमारी सिक्स, फिफ्थ और फोर्थ स्ट्रिंग है वो तो हम थंब से प्ले करेंगे, बाकी की थर्ड स्ट्रिंग होगी फर्स्ट फिंगर से, सेकेंड स्ट्रिंग होगी सेकेंड फिंगर से और फर्स्ट स्ट्रिंग होगी थर्ड फिंगर से, ठीक है। तो ये तीन फिंगर्स, लास्ट की तीन स्ट्रिंग्स प्ले और बाकी थंब ऊपर की तीन प्ले, ठीक है। तो अब जैसे ए माइनर पे प्ले करके बता रहा हूँ मैं क्या होगा। सबसे पहले तो बेस नोट प्ले होगा यानी फिफ्थ स्ट्रिंग, फिर लास्ट की तीनों एक साथ, फिर स्लैब। स्लैब का मतलब ये थंब जो है उनको टॉप की स्ट्रिंग्स पे सेट करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना होगा, फिर एक और बार बेस, तीनों स्ट्रिंग्स एक साथ। फर्स्ट पार्ट कुछ इतना है, बेस स्ट्रिंग, फिर तीनों एक साथ, फिर स्लैप, फिर वापस तीनों एक साथ, ठीक है। फिर वापस इतना होने के बाद वापस तीनों एक साथ और स्लैप, ऐसे होगा बेस तीनों एक साथ, स्लैप एक साथ, फिर वापस एक साथ, फिर स्लैप, ठीक है। बेस स्ट्रिंग लास्ट की तीन एक साथ, स्लैप फिर एक साथ, फिर हल्का सा पॉज और फिर एक साथ तीनों स्ट्रिंग्स और स्लैप, ठीक है। तो सब में ऐसे ही चलेगा, बस सब में जो फर्स्ट नोट है बेस नोट वो चेंज हो जाएगा। जैसे ए माइनर में यूज होगी हमारी फिफ्थ स्ट्रिंग, ठीक है, सी मेजर में भी फिफ्थ स्ट्रिंग, फिर आएगा एफ मेजर, एफ मेजर में होगी हमारा फोर्थ स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है। डी माइनर आएगा उसमें भी फोर्थ स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा, और जो जी मेजर होगा उसमें होगा सिक्स स्ट्रिंग से स्टार्ट, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे आराम से, इसकी आपसे ये प्ले होने लग जाएगा। तो बहुत ही सी चीज़ है ये, आगे बहुत सारे सॉन्ग्स में हमारे काम आएगी, तो आप हो सके तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आपसे ये प्ले नहीं हो पा रहा है तो इसके अलावा आप नॉर्मल चक वाली स्ट्रमिंग ले सकते हैं, जो कि है डाउन अप चक अप अप चक अप, डाउन अप चक अप अप चक अप। जिनको चक लेना नहीं आता उनको समझा दूं मैं, जो ये हमारा पाम होता है इसको पहले हम यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद ये ऐसे डाउन हो जाएगा, मतलब सारी स्ट्रिंग्स म्यूट हो जाएगी उससे, ठीक है। तो ऐसे चलेगा पूरी कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम रहेगी, उसकी जगह आप ये वाली स्ट्रमिंग यूज कर सकते हैं डाउन अप चक अप अप चक अप। अब जिससे चक भी नहीं लग रहा उसके लिए एक और स्ट्रमिंग बता देता हूँ, वो है डाउन अप डाउन अप डाउन अप। आप ये वाली स्ट्रमिंग पे भी पूरा सॉन्ग प्ले कर सकते हैं डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है। तो मैंने आपको तीन तरह की स्ट्रमिंग्स बता दी, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। मैंने जो यूज की है वो ये फिंगर प्लकिंग वाली स्टार्ट वाली, ठीक है, मैंने इस पे प्ले किया है। बाकी आप जो आपकी इच्छा हो आप उस पे प्ले कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो। तो ये स्ट्रमिंग हो गई, अब इसके कॉर्ड प्रोग्रेशन देख लेते हैं, वो भी इजी है। तो मैं इस पूरे सॉन्ग को प्ले करता हूँ, आप एंड तक पूरी कॉर्ड प्रोग्रेशन देखना जिससे आपको पूरा सॉन्ग अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे प्ले हुआ है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो ये सॉन्ग चालू होगा हमारा सी मेजर से। मेरे I
कोई नजारा क्यों नहीं है, इतना ही बस मुझको पता है, मैं तेरा गलत हूँ मेरा सही है, तेरे बिन ये कम है कुछ सांसे कम है, तुझको पाने से ज्यादा दिल कोई कोई दिल रोई जाए रोई जाए रोई जाए रे, आंखों के किनारे बैठा रोई जाए रे, दिल रोई जाए रोई जाए रोई जाए रे, यादों के सहारे बैठा रोई जाए। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये सॉन्ग अच्छे से समझ आ गया होगा। इजी स्ट्रमिंग है और इजी कॉर्ड प्रोग्रेशन है, तो इजी प्ले हुआ है। बस आपको थोड़ी सी अगर स्ट्रमिंग प्रॉब्लम हो रही है तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और कुछ ना आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे वो प्ले ऑफ होने लग जाएगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट करिए। अगर आपके कोई स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट हो या कुछ भी हो तो मैं ज़रूर उनको बताने की कोशिश करूँगा, और शेयर कीजिए ही वीडियो को जितना हो सके। साथ ही दोस्तों अगर आप ऐसे ही ईजी और लेटेस्ट गिटार लेसन्स के वीडियोस और देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।